Hey guys, what's up? तो आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ी पॉकेट्स, जिसमें आप पॉकेट खोलेंगे तो चीज़ मेल्ट होके बाहर निकलेगा। बहुत ही यमी और चीज़ी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चीज़ी पॉकेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम एक चीज़ी सी फिलिंग बना के रेडी कर लेंगे, जिसके लिए मैंने पैन में एक टेबलस्पून बटर को मेल्ट कर लिया था और उसमें एक से दो टेबलस्पून मैंने मैदा को सॉटे किया है। मेक श्योर कि कलर चेंज ना हो मैदा का, और उससे पहले हम मिल्क ऐड कर दें। और मिल्क ऐड मेरी तरह आप प्लीज़ गलती मत करना, मिल्क रूम टेम्परेचर पे लेना। और मैंने डायरेक्ट फ्रिज से लेके मैंने डाल दिया, तो मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा सॉस बनाने में, वाइट सॉस बनाने में। तो आप प्लीज़ नॉर्मल टेम्परेचर पे लेना, और उसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे जब तक कि मैदा उसमें मिक्स नहीं हो जाती दूध में। उसके बाद हम ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स एंड ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे, एंड ऑफकोर्स नमक एज पर द टेस्ट। उसके बाद मैंने मोज़रेला चीज़, ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ मैंने ऐड कर दी है, और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मुझे थोड़ी चीज़ कम लगी तो मैंने और चीज़ स्लाइसेस भी डाल दिया, प्रोसेस्ड मोज़रेला, चेडर, जो भी चीज़ स्लाइस आपके पास पड़े हों आप डाल दीजिए। और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमें एक थिक सॉस मिल जाए, और हमारी सॉस रेडी हो गई। अब हम एक पैन में, आप कोई भी पैन ले सकते हैं, मैंने छोटा तड़का पैन लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है और उसमें गार्लिक डाला है, और उसके बाद मैंने वेजिटेबल्स डाली हैं लाइक कॉर्न्स और पेपर्स, बेल पेपर्स। और हम इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, क्योंकि मुझे कच्चापन नहीं चाहिए था गार्लिक का, इसलिए मैंने सॉटे किया। आप चाहें तो कच्ची भी डाल सकते हैं। और हम इसे मिक्स कर देंगे हमारी सॉस में, और अब हम इसे साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडे होने के बाद ही और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। फिर हमने यहाँ पर लिया है एक दो बड़े चम्मच मैदा, और उसमें नमक डाल दिया है, और हम इसे एक स्लरी बना लेंगे मैदे की। और अब मैं हमारी ब्रेड को, इसके साइड्स को काट लेंगे अच्छे से। मेक श्योर जितना भी हार्ड पार्ट है, साइड्स हैं, वो पूरा आप निकाल दें, नहीं तो आपको, क्योंकि हम इसे रोल करने वाले हैं और रोल करने में दिक्कत होगी, इसलिए जो भी हार्ड पार्ट है उसे निकाल दीजिए। और हम इसे रोल कर लेंगे और अच्छे से एक थिन शीट दे देंगे, और इसके बाद हम इसमें अपनी फिलिंग रखेंगे। और हम या तो फिंगर की हेल्प से, बट ये तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए फिर मैंने ब्रश ले लिया। तो ब्रश से हम इसको, स्लरी को अच्छे से लगा देंगे और इसे कवर कर देंगे इस तरीके से, और अच्छे से सील कर देंगे। अगर ये टूट रहा है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम इसे कोट करने ही वाले हैं स्लरी और ब्रेड क्रम्स में, सो डोंट वरी। और अब इसी तरह हम सारे पॉकेट्स बना के रेडी कर लेंगे, और हम इसे जो हमने स्लरी बनाई थी उसमें डिप करेंगे। उसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। आप चाहें तो दो बार कोटिंग भी कर सकते हैं, बट मेरे लिए एक बार काफ़ी था। हम अच्छे से कोट कर लेंगे इसे। और इसी तरह हम सारे रेडी कर लेंगे बना के सारे पॉकेट्स, और इसे हम डीप फ्राई कर देंगे। आप हाई फ्लेम पे ही इन्हें तलें, क्योंकि इसमें पकने जैसा कुछ भी नहीं है, ब्रेड है ऊपर, फिलिंग है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस एक क्रस्ट देना है ऊपर। तो आप हाई टेम्परेचर पे करके और निकाल सकते हैं। और हमारे पॉकेट्स निकल के रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको एक काट के दिखा देती हूँ कि कितनी चीज़ी, यमी और बहुत ही सॉफ्ट हैं। लुक एट दिस, माय गॉड, दैट वाज डैम यमी, डैम चीज़ी, बहुत ही अच्छे, बहुत ही। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ प्लीज़ आई इंसिस्ट, ट्राई कीजिए। और हमारे रेडी हो गए हैं सारे पॉकेट्स, लुक एट दैम, रियली लिटरली आई एम ड्रूलिंग राइट नाउ जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।